नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ 24/7 हमारे से YouTube प्लेटफॉर्म पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 सब्सिडरीज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग चार ही सब्सिडरी कहते हैं कि चार सब्सिडरी, एक और नई ऐड हुई है, इसका नाम है RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ओके, क्रिएट तो पहली हो गई थी बट फाइनली नाउ इट बिकम अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो सब्सिडरी का परिभाषा क्या होती है, सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बोले, एक कंपनी जब, जैसे एक कंपनी से एग्जांपल लेते हैं, दूसरी कंपनी में जब मेजॉरिटी स्टेक रखती है, फॉर एग्जांपल मैं आशीष गौतम हूँ, मेरी एक कंपनी है और मैंने दूसरी कंपनी में फेसबुक हुआ, गूगल हुआ या कोई भी हुआ, इसमें 51% से ज्यादा की मेरी कंपनी ने अगर स्टेक ले लिया है तो मेरी कंपनी इसकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और ये कंपनी मेरी सब्सिडरी बन जाएगी। लाइक टाटा की ना, टाटा की जो कंपनी है एक सब्सिडरी, उसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो सब्सिडरी है वो आपकी जियो है। इस तरीके से और भी जितनी भी उनकी फर्म है वो उसकी सब सब्सिडरी है। ओके, RIL की सारी सब्सिडरी है, टाटा की सारी सब्सिडरी है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर और भी होती हैं जिनमें कि जब मेजॉरिटी स्टेक होता है वो दूसरे के पास होता है, दूसरी फर्म के पास होता है, तो वो यहाँ पर वो होल्डिंग बन जाती है जिसके पास होता है, जिसमें होता है वो सब्सिडरी। तो RBI की ये जितनी भी है ना, ये 100% ओन्ड है। यहाँ पर DICGC हो, BRBN, MPL हो, रैबिट हो, IFTAS हो, RBIH हो, इन सभी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 100% स्टेक है। ओके, अब यार हम लोग एक एक करके चलते हैं, DICGC के, BRBN, MPL के, रैबिट के, IFTAS के, RBIH के, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। एग्जाम में इसकी एब्रीवेशन गिवन होगी, आपको फुल फॉर्म पूछेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। आप लोग बैंक जाते हैं, यस, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हो, यस, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हो अगर वो लुट गया तो सर बर्बाद हो जाएंगे, नहीं होगे, क्योंकि उसमें मिलता है तुमको इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस कितने का मिलता है बेटा? 5 लाख रुपए का। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, शब्दों पे गौर फरमाइएगा। आप बैंक जाएंगे, बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपके जितने भी पैसे जमा होते हैं 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड किए जाते हैं। अर्लियर लिमिट वॉज 1 लाख रुपीज, नाउ इट इज 5 लाख। ओके, पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। सबसे ज्यादा पूरा दिन भर में आप ही दिखते सुनते हैं, सुबह से रात तक आप ही पढ़ाते हो, तो अच्छा है ना, बढ़िया। तो बेटा बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उस पर इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। DICGC आपको इंश्योरेंस देती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडरी है। दूसरी है भारतीय रिजर्व। अब यार मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ DICGC, 15 जुलाई 1978 को बना था, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर, MD पत्रा साहब इसके अभी वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब चेयरमैन है, MD पत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 15 जुलाई 1978 को इसे बनाया गया। दूसरी RBI की सब्सिडरी है BRBN MPL। मैंने हमेशा आपसे पूछता हूँ कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कितनी है, मैसूर, सालबोनी, देवास और नासिक। मैसूर और सालबोनी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, देवास और नासिक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। जो मैसूर और सालबोनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हैं, ये वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैसूर सालबोनी, ये इसके अंतर्गत आती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो आती है SPM CIL के अंतर्गत, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये आती है आपकी देवास, नासिक, मैसूर और सालबोनी, RBI के अंतर्गत आती है। ये RBI की सब्सिडरी है, RBI की प्रिंटिंग प्रेस है और ये प्रिंटिंग प्रेस इस सब्सिडरी के अंतर्गत काम करती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। तो दो क्लियर हो गई आपकी, एक DICGC जो कि इंश्योरेंस दे रही है 5 लाख तक का, BRBN MPL RBI की एक सब्सिडरी और जो कि दो प्रिंटिंग प्रेस चला रही है, एक मैसूर और एक सालबोनी। फाइन, क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला कल का सेशन में सुबह 7 बजे जरूर जुड़ना। RBI रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। पहले ना BRBN MPL के बारे में फैक्ट बता देता हूँ, ये DICGC के हो गए, ये BRBN MPL के। 3 फरवरी 1995 में मैं पैदा हुआ था इसी दिन, और दो मेरे 2 साल बाद बेटा BRBN MPL पैदा हो गया। ये बेंगलोर में हुआ था, मैं आगरा में हुआ था, फर्क इतना है, ठीक है। फिर रविशंकर की बात करें तो चेयरमैन है, याद रहेगा ये, 3 फरवरी 1995 BRBN MPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर हेडक्वार्टर के टी रविशंकर इसके चेयरमैन हो गए। तो दो क्लियर हो गए, DICGC क्लियर, BRBN MPL क्लियर। तीसरी आते रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रैबिट, 2016 में बनाया था, किरण कौशिक अभी वर्तमान में चेयरमैन है, नवी मुंबई हेडक्वार्टर है। अब इसका काम क्या है, इसको RBI ने अपनी IT और जो साइबर सिक्योरिटी नीड है ना उनके लिए बनाया था। भाई IT और साइबर, आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की साइबर सिक्योरिटी और IT के लिए यहाँ पर स्पेशली
रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 2016 में बनाया था, 2016 में, फाइन, 2016 में। इसके बाद बनती है यहाँ पर IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये भी होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसको किस लिए बनाया था कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जितने भी वित्तीय संस्थाएं, जितने भी बैंक हैं, उन सभी में जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी ना, वो ये मुहैया कराएगी। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज ये क्या करेगी, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में या जितने भी बैंक हैं, ओके, उन सभी को आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किसका, IFTS का। इस IFTS को 2015 में बनाया गया था, विवेक दीप इसके हेड है और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ये चार तो आपको पहले से पता थी, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है सर? टी रविशंकर डेप्यूटी गवर्नर RBI के, हाँ जी, या हेड भी तो है। चार डेप्यूटी गवर्नर है RBI के, माइकल देव पत्रा, महेश कुमार जैन, टी रविशंकर, एक और है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है वो। ठीक है, एम राजेश्वर राव। अब जरा देखना, एक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसको बनाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को। ये कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 8 है उसके तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया है। और इसका ऑफिस कहाँ पर है बेटा, हैदराबाद में इसका ऑफिस है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसको प्रमोट, स्पेशली इनोवेशन है ना, इनोवेशन फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। ये बतेरी बार पढ़ा चुका हूँ मैं ये वाला तुम्हें, कि ये जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसको इनोवेट करने के लिए, उसमें इनोवेशन लाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया गया था। इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई गई, गवर्निंग काउंसिल, उस गवर्निंग काउंसिल के हेड होंगे चेयरपर्सन। और जो RBI है उसने यहाँ पर सेनापति गोपाल कृष्णन को फर्स्ट चेयरपर्सन बनाया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूँ, CEO कौन है, क्या राजेश बंसल है, आई डोंट नो, मुझको नहीं पता, तुमको बस इतना बताना रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन है। चार सब्सिडरी क्लियर हो गई, पांच सब्सिडरी कौन कौन सी है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रैबिट BRBNMPL, DICGC, चौथी आ गई आपकी IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पांचवी आ गई जिसका ऑफिस हैदराबाद में, फाइन, चेयरपर्सन सेनापति गोपाल कृष्णन है, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया, तुम्हें बताना इसके CEO कौन है। ठीक है भाई, क्लियर, ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप क्लियर रहा होगा। अगर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है तो मेरा वॉरियर 9.0 बैचेस में एनरोल करा सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा जो भी 2022 एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस या मेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, इनको इंटरव्यू क्रैक करना है, वॉरियर 9.0 बैच में एनरोल कराइए। आज बैंक महापैक पे डबल वैलिडिटी रात 12 बजे तक है, तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए या फिर अड्डा 24/7 हमारी वेबसाइट पे जाइए। कोड ध्यान रखिएगा Y168, ओके, ये कोड है Y168, जब इसका इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशन से तो 77% डिस्काउंट मिलेगा, 1% और एडिशनल है, कॉइन सेलेक्ट कर लेना वहीं पर। ठीक है, वॉरियर 9.0 ये आपको पड़ेगा 790 रुपीज का, प्राइस रिड्यूस कर दिए गए। ये कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है, जैसे अभी मैंने RBI के छोटा सा पार्ट डिस्कस किया, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ये डन होने वाला है बैच। ठीक है, अभी इसमें करीब सात से आठ क्लासेस बाकी हैं, बाकी सारी आपको इसमें प्री रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी, तो आपके पास टाइम होगा इनफ कि आप इसे जल्दी से जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को बैंक महापैक लेना उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, भाई आप बैंक महापैक ले सकते हैं, आज लास्ट डेट है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हैं बेटा। ठीक है, कैसे उसके लिए देख लो जरा, अड्डा 24/7 वेबसाइट पर आप जाइएगा, वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको सेलेक्ट करना है लाइव क्लासेस सेलेक्ट करेंगे। लाइव क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे बैंक महापैक में, कहाँ गया भैया बैंक महापैक, ये रहा बैंक महापैक। इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, 12 मंथ 6 मंथ। 12 मंथ इसलिए आ रहा है यहाँ पर, अदरवाइज 6 महीने 12 महीने आता है, अभी डबल वैलिडिटी चल रही है इसलिए 12 महीने 24 महीने दिख रहे हैं, उतने प्राइस में 12 महीने वैलिडिटी वाला, ये 6 महीने वैलिडिटी वाला 12 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, एक्स्ट्रा 6 मंथ के साथ। वही करना आपको, व्यू ऑफर में जाना है, अपनी जो जेन्युइन जीमेल आईडी वो लगानी है, यहाँ पर आपको कोड लगाना है Y168, Y168, जैसे ये लगाएंगे ये पड़ेगा 3334 का, एप्लीकेशन से लेंगे तो और 200 रुपये सस्ता हो जाएगा ये। ठीक है दोस्त, क्लियर है, हैप्पी न्यू ईयर, कल मिलेंगे सुबह 7 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, राधे राधे, टाटा।